भाईचारा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सोमवार रात रोड जाम कर प्रदर्शन किया और सरकार के आगे अपनी मांग रखने की कोशिश की और सरकार को चेतावनी दी। दरअसल 24 तारीख की रात को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में ट्रांसपोर्टर्स ने रोड पर प्रदर्शन किया, सरकार के आगे भी अपनी मांगे रखी कि चालान के रेट कम किए जाए और जबरन वसूली बंद कराई जाए। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इसी तरीके से उनकी बातों को अनसुना किया जाएगा तो आने वाले समय में वह अपने ट्रकों और कमर्शियल वाहनों को रोड पर खड़ा कर देंगे, पूरी दिल्ली जाम हो जाए, और कहा कि आंदोलन को उग्र रूप भी दे सकते हैं। वहीं सीधे तौर पर देखा जाए तो आने वाले दिनों में जाम और महंगाई का सामना जनता को करना पड़ सकता है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे दूध, फल, सब्जियां आदि चीजों के लिए मुश्किल हो सकती है। गवर्नमेंट को पहले भी इतला कर दी थी, ये काला कानून एक हमारे ऊपर थोप दिया जबरदस्ती। हर बार कोई ना कोई नया रूल ट्रांसपोर्टरों से बिना सलाह मशवरा करे एसी कमरों में बैठ के हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, ना उसका कोई सोल्यूशन होता है, ना हमारी कोई सुनवाई होती है। और ये हमने काफी पहले उनको बता दिया था कि 25 तारीख से चक्का जाम है और 25 तारीख से हमने चक्का जाम कर दिया। अभी तक सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई हमारे पास, ना हमारी कोई मांग मानी गई है अभी तक। और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे ये और ज्यादा तेज होगा और हमारी गाड़ियां रोड पे हम छोड़ दी जाएंगे, उसको चाहे पूरी दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा और ये बहुत ही उग्र रूप भी ले सकता है। तो हमारा सरकार से निवेदन है जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान करे, ये काला कानून वापस ले, इंश्योरेंस के पैसे जो बढ़ाए गए हैं वो भी वापस ले, और सारी समस्याएं जो हमारी 11 मांगे हमने लिख के दी है उनको, उन पर विचार विमर्श किया जाए।